अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एथर और जो मेरी आज की वीडियो है वो हम आपको डब का एक सेटअप दिखाएंगे, पाई डब। यहाँ पर कुछ फेलो कॉकटेल हैं, पाई डब दिखाएंगे आपको। यहाँ पर काफ़ी अच्छी म्यूटेशन है, रेड में भी हैं, कॉमन पर डब्स हैं, स्पेशली आपको डब दिखाएंगे और कुछ यहाँ पर फेलो कॉकटेल हैं। तो ये पियर है माशाल्लाह से, इसकी अच्छी डिमांड है। आसिम भाई, इसकी क्या रेट है? तकरीबन 20+ है। 20+ है और इसमें हाँ माशाल्लाह बच्चे निकलता है। हाँ जी, ये इनो कॉकटेल है, इसने अंडे दिए हैं जी जी, मादा अंडों पर। ये फैलो है नीचे भी। अच्छा, इनके पास फैलो कॉकटेल थोड़े ज़्यादा हैं। हाँ जी, ये फैलो है, नीचे भी फैलो है, ये जोड़ा भी फैलो का है, ये भी फैलो है। हाँ, कुछ घर के हैं, कुछ मेरे बच्चे पट्टे लिए थे और कुछ इन्होंने जो है वो इसमें छोड़े हैं। यहाँ पर अल्बाइनो मिक्स हैं, पस्टा है, रेडाई हैं, रेडाई अल्बाइनो वॉलेट हैं और यहाँ पर फोन जावा हैं। फोन जावा काफ़ी सारी हैं सबकी, आई थिंक ये ब्रिड आई भी अंदर ही। ठीक है जी, इसमें चेक्स आपको नज़र शायद आए। ठीक है जनाब, चेक्स आए भी यहाँ पर। ओके, आपको लेके चलते हैं बाहर। एक छोटी सी इन्होंने कॉलोनी बनाई हुई है, एक शौकिया तौर पे कॉलोनी आपको मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, लकड़ियाँ इस तरह से रखी हुई हैं जी। इन्होंने शौकिया चीज़ें रखी हुई हैं अच्छी, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँगा। लेडी गोल्ड भी हैं, उनकी भी आई थिंक ब्रीड आ रही है। और यहाँ पर फेलो कॉकटेल्स हैं, ऊपर भी फेलो कॉकटेल हैं, ये स्प्लिट फेलो कॉकटेल हैं, पीछे भी बना हुआ है। इस पर सेकेंड चीज़ यहाँ पर कॉमन क्रीम कॉकटेल, सबकी ब्रीड आई हुई। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इन्होंने भी लिए येलो की स्प्लिट है, फीमेल इसके येलो बैक साइड पर भी हैं। थोड़ी सी इसकी धूम, इसकी धूची है अभी, ओके धूम टूट गई थी इसकी और खाड़ दी इन्होंने, हटा दी। ये येलो स्प्लिट है, इसके विंग्स जो हैं लास्ट वाले येलो हैं, फ्लाइंग करती है, टेल भी इसकी येलो है। ठीक है जी, और मेल जो है इनके घर का है, टैम है मेल। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कॉकटेल्स हैं, ये इसके बच्चे आए हुए हैं। ओके जी, यहाँ पर दिखाते हैं लेडी गोल्ड आपको। असल में इसकी ब्रीड आ रही है जी जी, लेडी गोल्ड की क्या एवरेज क्या है? अंडे दिए हुए। अच्छा जी, मेल जो है ये वाला है इस साइड पे जो रेड चिक जिसके हैं, जोड़ा पूरा उसका है, लोटिनो खिलाती है, लोटिनो लोटिनो लेडी गोल्ड। ठीक है जी, इसमें और म्यूटेशंस होती हैं और आपको दिखा देते हैं। ये कॉमन में है, ये वाली कॉमन में। यहाँ पर कितने डाले में आपने? चार एक साथ डाले में पियर, सॉरी चार पीस, दो पेयर बच्चे जो निकला वो फीमेल है, बकाया वो जो है वन मेल मेरे वहाँ पड़ा हुआ डाल दूंगा। पता था ये रेडी हो चुका है अभी तकरीबन। अच्छा, कितने बच्चे निकालती हैं ये? फिंच की तरह है, 3-4-5 जैसे फिंच, कॉमन फिंच की तरह, ज़्यादा भी हो जाते हैं 5-6-10। ठीक है जी, लेडी गोल्ड की ब्रीड आसान है, कॉमन है। अच्छा जी, इसकी ज़रा बताइएगा, इसकी मार्किंग आ रही है पर्पल, ये मेल है, जिसका डार्क कलर है वो मेल है, जिसके जैसे गाल सीना भी जिसका डार्क है वो मेल है। ओके, कोने में बैठी है फीमेल। ठीक है, अच्छा अच्छा, गंडों पे बैठी होगी। ब्लैक फेस है इसका तो? हाँ, रेड फेस है वो, ब्लैक लग रहा है आपको लाइट। अच्छा ओके, अच्छा जी, ये ऐसा लग रहा है पट्टा है लेकिन ये फुल है, लेकिन लाइट कलर में है, लाइट कलर की फीमेल है, ये फीमेल है और डार्क कलर का मेल है। और ये जो आई है ब्रेस ऑरेंज फेस का मेल है, ये भी मेल है, कलर इसका डार्क है इसलिए। और जो बीच में बैठा हुआ पट्टा है, वो पट्टा कलर ला रहा है, वो फीमेल है, वो लाइट कलर है इसलिए। अच्छा, डार्क पट्टे का डार्क कलर होता है, मेल बनेगा उसका डार्क होगा और फीमेल जो होगी वो उसका डायरेक्ट, नए पर आएंगे ना वो मेल के डार्क ही आएंगे, डार्क ही आएंगे, जिससे लाइट आएंगे तो उसके डार्क आएंगे। ठीक है जनाब, ये इसके अंदर चेंजिंग, इसके लाइट अंडों में बैठी होगी, ये बाहर आ गई, ये भी अंडों में थी, वाइट चेस वाली सेंटर वाली। हाँ, ये एक एक फीमेल अंदर है, वो अंडों में बैठी है, एक ओके बच्चे निकले मैम, दो जोड़े नीचे पड़े और इसका ये भी डाला है आपने, ओके ये भी ब्रीड पे आया भाई। ठीक है जनाब, अच्छा से क्या इसके अच्छे यहाँ पर? हाँ, इसके आजकल जो है ना प्राइस अच्छा, अच्छा यहाँ पर भी माशाल्लाह दो पेयर, ये तो फीमेल कंफर्म समझ आ रहा है हमें। हाँ, और मेल जो है वो ऊपर बैठा हुआ है। ओके जी, इसकी मादी बाहर आ रही है, फीमेल ये थी इसकी बाहर आ गई, इसकी भी अंडे आए हुए। अच्छा जी, मैं इसको डिस्टर्ब करना खुद नहीं चाह रहा क्योंकि थोड़ा सा नए पेयर हैं और टाइम थोड़ा सा, ठीक है जी। लेडी गोल्ड एक नई मार्केट के अंदर है, इसके रेट बहुत अच्छे हो गए। लास्ट दोनों कोनों पे जो है वो मेल हैं, बीच में जो है वो फीमेल। ठीक है जनाब, ये कैप डब,
और इसके अलावा कुछ अच्छी आपको मेडिसिन दिखाते हैं। ओके, ये कौन सी डब की लाएंगी असम भाई? कैप डब है, ये अंडों में बैठा हुआ। मैं यहाँ से इसको कवर कर लूँगा। ठीक है, कर हो जाएगा? जी जी बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। फीमेल अंडों में बैठी है, नरी है। ये भी दो ही अंडे देती है, कॉमन डब की तरह इनके। ओके, ये इन्हीं के बच्चे निकले हुए? एक इनके दो बच्चे, एक जोड़ा बड़ा है। एक जोड़ा बड़ा है। इसमें मेल फीमेल की पहचान? टाई बनी हुई आगे से। फीमेल शादी होती है? फीमेल बिल्कुल प्लेन है। अंडों में बैठी हुई ना फीमेल है, इस पे जो बैठी है। ठीक है जी, आपको समझ आ रहा होगा। खोल ले, खोल ले। नहीं हो गया, खोल ले, नहीं जाएगा। खोल ले, खोल ले, खोल ले। ठीक है जनाब, सिंपल पहचान है इसके अंदर। अच्छा जी, दो मेल और दो फीमेल हैं। ये भी रेडी हो चुके हैं? बिल्कुल रेडी, बस इनको बॉक्सेस लगाने हैं। आपने लगाई हैं? जो पेयर बनेगा आप उसको अलग कर देंगे। बिल्कुल। ठीक है जनाब, यहाँ पर इसका एक जोड़ा अंडों पे बैठा है। एक जोड़ा माशाल्लाह से अंडों पे है, इसका आपको दिखाते हैं। ठीक है जी, ये फेलो है, ये भी है। ओके जी, ये फेलो है, फेलो का फेल, ये भी फेलो है। अच्छा, आपने एक्सपेंसिव मेडिसिन्स रखी हैं सारी? पहले कॉकटेल, और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज़। इसके तो माशाल्लाह मार्केट में बहुत कम है ये। हाँ, रेड गोल्डन की आजकल बड़ी ज़्यादा डिमांड, डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है जी, उसके बाद आपको दिखाते हैं कुछ यहाँ पर रेड डव। रेड डव के माशाल्लाह से बच्चे आए हैं, तकरीबन सबके ही बच्चे आए हुए हैं रेड डव के अंदर। यहाँ पर रेड डव है माशाल्लाह से सारे ही हैं। ये पाइट डव में आपको दिखाएं, बच्चे आए हुए हैं। इनसे लास्ट में कुछ पता करेंगे। इस मौसम के अंदर ब्रीड ले रहे हैं, अच्छी ब्रीड आ रही है सबकी। तकरीबन दो दो तीन एक, दो एक बच्चे निकले हैं ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसको थोड़ा सा। ठीक है जी, और यहाँ पर भी दो बच्चे आए हुए हैं। इसमें भी तकरीबन सब में बच्चे हैं, अंदर भी बच्चे हैं, बाहर भी माशाल्लाह बच्चे हैं। बाहर मैं आपको बाहर का सेटअप दिखाऊंगा, बड़ा सेटअप है बाहर भी। ये बच्चा बाहर आया। अच्छा जी, इसका बच्चा थोड़ा छोटा होता है, ब्लैक कलर में होता है, फिर ऐसा ऐसा कलर वाइट कर लेता है। ये रेड डब है। ठीक है जी, ये पाइट है, ये पाइट है, इसके बच्चे अंडों पे बैठा हुआ है। ये अंडों पे बैठा हुआ है, ये अंडों पे नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अच्छे जोड़े कलर में। अच्छा जी, पाइट बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि पाइट ब्लैक को ही वो पाइट करके भेज देते हैं। ऐसा पाइट होते हैं, जैसे ये है एक फीमेल, अच्छा जोड़ा, अच्छे कलर में कहलाएगा ये। और एक जोड़ा इसका बच्चा आया हुआ एक, ये भी बहुत अच्छे कलर में है, फुल वाइट है, और मेल भी काफ़ी हद तक वाइट है। ये पाइट में कहलाएगा। ये जोड़ा बहुत बेहतर कहलाएगा, इसको आप देख रहे हैं, वाइट एंड वाइट ब्रीडर पेयर हैं रेड। यहाँ पर बैठा हुआ पेयर, यहाँ पर भी बॉक्स में बैठा हुआ है, इसका रेड का बच्चा आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है जी, उसके अलावा यहाँ पर जो है वो एक असल में ये कौन सी डब खिलाएगी? वाइट टेल, इसके ही बच्चे निकले हैं। और यहाँ पर रेड डब है, इसके भी बच्चे तकरीबन आए हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो एक बच्चा आ गया है, उसने दोबारा ही अंडे देना शुरू कर दिए नेस्टिंग पे। देखें आप, ये फीड करा रहा है और दूसरे बच्चे भी इसके आ गए हैं माशाल्लाह से। ओके जी, ये कुछ इनके माशाल्लाह से बाहर रखे हैं। इसमें वाइट भी हैं और रेड डव भी हैं, रेड पाइट भी हैं, वाइट पाइट भी हैं, और पट्टे भी निकले हैं काफ़ी सारे। उसके अलावा कॉकटेल्स के पट्टे जो निकले हैं बाहर रख दिए इन्होंने। आपको कवर करते हैं, आगे से दिखाते हैं। अच्छी म्यूटेशंस माशाल्लाह से। इसके अलावा यहाँ पर भी हैं केजेस, तकरीबन सब में ही बर्ड्स हैं इसके अंदर। और ये इनका मास्टर केज है यहाँ पर, जो इसके अंदर जो हम थे अभी अंदर दिखा रहे थे आपको, बहुत सारे अंदर थे। और यहाँ पर भी यहाँ पर सारी ज़्यादातर रेड म्यूटेशंस लगी हुई हैं, रेड की हैं। और कॉमन बहुत ही कम कर दी, लास्ट टाइम इनके पास थी कॉमन, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी कम कर दी हैं, और रेड वगैरह ज़्यादा हैं इसके अंदर। तो पहले आपको डार्क रेड में, ओके, इसकी भी ब्रीड आई हुई माशाल्लाह से, भी बैठा हुआ ब्रीड पे। ठीक है जनाब, पाइट की यहाँ पर अच्छे रेड कलर में दिखाते हैं आपको। इसके बच्चे आए हुए,
सही है, इसका भी बच्चा आएगा और दूसरे अंडे दे दिए। ओके ये दो बच्चे बैठे हैं, अभी से ये रेड में है तो और बड़े होके डार्क रेड में आ जाएंगे। ठीक है जनाब, यहाँ पर हैं ये तेज वाले रेड, अच्छे डार्क रेड कलर में हैं। और ये आपको एक दाना दिखाऊँ, ये बच्चे बड़े हो गए इनके, अलग से डले में पेयरिंग के लिए। यहाँ पर दो बच्चे हैं इसके और ठीक है जनाब, दोनों बच्चे हैं इसके और नर जो है वो नीचे घूम रहा है। ठीक है जनाब, ये भी बच्चे वाले हैं, ये भी डार्क कलर में हैं, बच्चे हैं इसके। ओके मैं आपको दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा दोबारा, ये दो बच्चे बड़े हुए हैं तकरीबन डाइट पे आ गए हैं। और यहाँ पर हैं डफ, उसके अलावा यहाँ पर भी आई थिंक के बच्चे दिए हैं, ये भी इसमें भी बच्चा बीच में बैठा हुआ है और दोबारा ही नेस्टिंग पे बैठ चुके हैं ब्रीड के लिए। ये माशाल्लाह तकरीबन सब में ही आए हुए बच्चे, ये बीच में दो बच्चे हैं बीच में। अच्छा जी यासिन भाई, आपसे आखिर में पूछेंगे कि इस सीज़न में ब्रीड लेने के लिए क्या डाइट दे रहे हैं और पहले आपको प्रोग्रेस दिखा रहे हैं और उसके बाद जो है वो आपको। ठीक है जनाब, यहाँ पर भी बच्चे ही हैं तकरीबन सब में ही बच्चे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो इस वक्त है आज जनवरी और उसमें सर्दी के अंदर इनके पास ब्रीड आ रही है क्योंकि ये जो है इनकी म्यूटेशन रेड पाइट। पेयर है ये, ब्रीड करता हुआ पेयर है, ब्रीडर पेयर है ये। उसके अलावा यहाँ पर ये पाइट है, अच्छे पेयर हैं, ये पाइट है, इसमें फीमेल की तो बहुत ही अच्छा कलर हो गया, रेड में आएगी। ओके रेड पाइट, रेड पाइट की फीमेल है। टेल पे हल्का सा मार्किंग है वरना पूरी वाइट तकरीबन हो चुकी है ये। यहाँ पर ये पाइट का पेयर है, अच्छा पेयर है और यहाँ पर भी बहुत अच्छे मार्किंग में आ गई, बिल्कुल वाइट में ही हो गई हैं तकरीबन। यहाँ पर जो कॉकटेल थे अंदर उनके बच्चे हैं ये सारे। ये एक फीमेल, ये भी तकरीबन ब्रीड करके ये क्लियर हो गई है। रेड पैट के पट्टे आपको दिखाते हैं, ये रेड पैट के पट्टे हैं इसके अंदर मिक्स हैं और कॉमन पैट। ओके हेड साफ हो रहे हैं, ठीक है जी। और ये दाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कलर में बना है इसका, आगे से पूरा वाइट है, सिर्फ इसकी जो है विंग्स लास्ट के वो ब्लैक हैं, एक इसकी अलग खूबसूरती, खुद ही इसकी खूबसूरती एक बन रही है इस तरह से। जो पुराने पेयर हैं इनके वो ज़्यादा वाइट होते जा रहे हैं, जैसे कि ये पुराना पेयर है। अच्छा एक उसमें पूरा वाइट होता है जी, वाइट होता है वो, मेरे पास थे, मैंने दे दी है। आपके पास थे पहले, लास्ट टाइम मैं देख चुका हूँ, ठीक है जनाब। वो भी आसिम भाई के पास आ जाएंगे, बिल्कुल वाइट थे वो बहुत अच्छे थे। ये रेड डब के निकले हुए पट्टे इसके अंदर, प्योर वर्किंग करी हुई है उन्होंने। यहाँ पर जो है माशाल्लाह से वाइट, ये भी पुराना पेयर हो गया है तो अच्छा वाइट हो गया है। यहाँ पर ये पेयर हैं, सारे पुराने पेयर हैं, लास्ट में आया था ये सारे। और माशाल्लाह से बच्चे ये रहे आपके सामने, आपको बच्चे दिखा देते हैं, फिर बहुत सारे दोस्त बोलते हैं इतनी ब्रीड आ रही है तो बच्चे कहाँ गए, बहुत सारे भेज दिए। इसमें रेड हैं, कॉमन है, पाइट भी है इसमें आसिम भाई, पाइट भी है, पाइट ऊपर भी है, इसमें भी है नीचे, यहाँ पर ये पाइट है। अच्छा जी एज, एज के हवाले से अलग अलग किए हैं, जैसे कि कुछ एज है, सारे पाइट हैं यहाँ पर, ये मिक्स हैं, ये रहा सिल्वर पाइट, ये वाला दाना, एक दाना जो है, सारे पाइट हैं, कलर अभी साफ कर लेंगे, रेड पाइट भी है इसमें, ये रहा, ठीक है जनाब। ओके रेड पाइट का जोड़ा ये रहा, इसकी ब्रीड भी आ रही है इनके पास, फीमेल थोड़े हल्के उसमें, मेल है वो स्प्लिट का है, वो बच्चे निकालते हैं, बच्चे अच्छे निकाल रहा है, ठीक है, बच्चे अच्छा आना चाहिए। ये भी स्प्लिट है, ये सिल्वर का है, सिल्वर का है, ये माला सिल्वर की है, ये डायमंड पाइट का स्प्लिट है, बच्चे बड़े अच्छे निकालता है, ये भी स्प्लिट है, ये रेड पाइट की जो बच्चे आप कह रहे हो जोड़े के वो ये है। ओके माशाल्लाह से बहुत अच्छे जोड़े हैं ये तो बच्चे, ये भी रेडी हो चुके हैं, हाँ बस ये भी डाल दिए मैंने,
लाल ओके ब्रीड पिल लगा दिया इसको, प्यार को इंशाल्लाह इसकी ब्रीड आ जाएगी। ये भी एक दाना है रेड पाइड, बच्चे निकले रेड पाइड है ये बड़ा प्यार है, सिल्वर का नारा इसके साथ बड़ा अच्छा लगा हुआ है, बच्चा बल्कि इसका आया हुआ है। अब आपको दिखाते हैं नेस्टिंग के अंदर, बच्चा है थोड़ा नजर आएगा, असल नेस्टिंग थोड़ी सी ऊपर है तो कैमरे से कवर, ठीक है जी। यहाँ पर पाइट अगेंस्ट, ये अच्छे कलर में पाइट, अच्छा जी ये भी एक अच्छे कलर में पाइट है, ये भी बड़ा अच्छा कलर है। ये बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा कलर में आ गया है। असल में कितनी इनकी एज हो गई ये ब्रीड करते हुए? ये है साल साल भर के हैं तकरीबन, साल डेढ़ साल के, साल सवा साल के हैं। और जो पुराने प्यार हैं जो वो तकरीबन डेढ़ साल के होंगे, ये साल भर के होंगे। अच्छा असल में इस मौसम में आप ब्रीड ले रहे हैं तो डाइट क्या डाल रहे हैं? ये भी सिल्वर पाइट है, ये सिल्वर पाइट में बैठा हुआ, ठीक है। के साथ आप बता रहे थे कि मौसम में क्या डाल रहे हैं जो माशाल्लाह से ब्रीड अच्छी आ रही है, इसमें मिक्स है? ये तो मिक्स वाइट टेल है, रेड है, इसमें एक पाइट डालना है, बल्कि वो है जनाब यहाँ पर ये बाजरा है, इनका मिक्स बाजरा है। इसके अंदर ये बता रहे हैं कि मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, अच्छा लाल कंगनी नहीं है इसके अंदर? लाल कंगनी मेरे पसंद नहीं खाते, लोग खिलाते हैं। ओके आप नहीं खिलाते, इसमें मोटी कंगनी है, बारीक कंगनी है, बारीक बाजरा अच्छा वाला, अच्छा सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला, बारीक बड़ा वाला नजर आ रहा है बाजरा है। हाँ कंगनी के अंदर ही मिक्स हो रहा है, साइज का बाजरा है, देखें आप क्वालिटी बाजरा है, बाजरे की क्वालिटी बहुत ही आउट क्लास है, मोटा नहीं है, थोड़ा सा फोकस हो जाए तो सही आपको समझ आ जाएगा, ठीक है जी। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, चलो ये हो गया। अच्छा जी इसके अंदर मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, सरसों के बीज, बारीक बिल्कुल बाजरा, और इसी के अंदर जो है वो सीपी पाउडर जो है वो मिला देते हैं इसके अंदर, कनेरी सीड भी होती है, कम क्वांटिटी में होती है, ठीक है जी। और ये जो दिखा रहे हैं वो दिखाते हैं आपको मछली पाउडर जो होती है सूखी मछली, भुट्टे का दाना जी, ये देख लें कितना बारीक दाना है, ये हाथ में दिखा देता हूँ मैं आपको, भुट्टे ये इसके अंदर इंक्लूड है, बिल्कुल ये बिल्कुल बारीक दाना है भुट्टे का, आराम से खा लेती हैं डफ, इतना बारीक है कि मोटी कंगनी या बारीक कंगनी के बराबर इसके जो है वो हुए हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी डाइट इनकी मुझे नज़र आ रही है, कुछ हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये मछली का चूरा है, ये मछली का चूरा है, ये मछली होती है, ये क्या रुपये हिसाब होता है? ये तकरीबन 100 या 150 रुपये, 100-125 रुपये किलो है। ओके तो वो थोड़ी सी मिकदार में मुझे मिलाना पड़ता है इनके, ये बाजरे में मिला देते हैं आप? जी इसी में सब मिक्स है, ये तो ये खाते हैं हीटअप गर्मी के लिए, मछली के लिए सर्दियों में खासकर मैं देता हूँ सर्दियों में, जी जी ठीक है जनाब। ये एक इनके पास जो ब्रीड आ रही है इस मौसम में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्रीड है माशाल्लाह से सब आई भी है, तो आपके लिए ये सब चीज़ें हैं जो दोस्त इसको सीखते हैं, गंदम बारीक कुटा हुआ गंदम, इसको दलिया भी कहते हैं, आज इसे दलिया ही कह लें आप, इतना हो कि ये उठा लें, सिर्फ गंदम है उसके अंदर, इतना बारीक हो जाए कि उठा लें बाजरे के बराबर इसका, ठीक है साइज बन जाए। और क्या है? ओके ये आपको मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ जो बहुत कम लोग इसको शेयर करते हैं, इन चीज़ों को इस सब सीखें, इसको अप्लाई करें और अच्छी ब्रीड लें, अच्छी ब्रीड लें। सीपी का चूरा होता है ये भी हम मिलाते हैं, सीपी पाउडर कैल्शियम के लिए, कैल्शियम के लिए बारीक, ये दाने में मिक्स है ये भी? जी जी इतना बारीक होता है कि उठा लें बस बाजरे के बराबर, ये दाना खा लेते हैं, ये मतलब बड़ा ना हो जो खा नहीं पाए, ठीक है। अच्छा लेडी गोल्ड को भी आप यही दे रहे हैं, इनको भी ये दे रहे हैं सबको, फीट में इन लोगों को ज़्यादा होता है डब के लिए, एक मैंने आपको, अच्छा जी सेम डाइट जो है ये इंक्लूड होती है फिंचेस के ऊपर, बिल्कुल फिंचेस के ऊपर भी बिल्कुल सेम डाइट, जो दोस्त बोलते हैं कि फिंचेस के लिए हमें बताएं तो बिल्कुल जी यही डाइट है फिंचेस के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट्स करें, लाइक करें, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सेल आउट की हैं, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा। डब के पट्टे हैं यहाँ पर, अच्छा जी डब के क्वालिटी पट्टे होंगे, कुछ अच्छे कलर में भी होंगे, कुछ लाइट कलर में भी होंगे, लाइट मार्किंग में होंगे, उसके रेट उसी हिसाब से होंगे, जिस तरह का कलर होगा उसके रेट वो होंगे, और जिसके कम मार्किंग होगी, जो वाइट कम होगा ब्लैक ज़्यादा होगा, उसके रेट वही होंगे। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।